स्वातंत्र्य दिन हा भारताचा विशेष महत्त्वाचा दिवस आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या 72व्या वर्धापन दिनाची चंद्रपूर जिल्हा प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून उद्या पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम पार पडणार आहे. तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार देखील होणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मी स्वातंत्र्य दिनाच्या 72व्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. उद्या सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणामध्ये माननीय पालकमंत्री यांच्या शुभ हस्ते सकाळी 9:05 ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शासकीय कार्यालयाची रंगरंगोटी आणि स्वच्छता आणि सुशुभीकरण याचे काम पूर्ण झालेले आहे. या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी यावर्षी प्रशासनामध्ये उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी कर्मचारी पोलीस विभागातले अधिकारी आणि कर्मचारी इत्यादींचा आपण पुरस्कार आणि प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करणार आहोत. या निमित्ताने चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मी शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांच्या कार्यामधून आपला स्वातंत्र्य दिन चिरावी हो आणि अभिमानास्पद कामगिरी होईल अशी अपेक्षा आणि आशा मी व्यक्त करतो. तर चंद्रपूर शहरातील मुख्य रस्त्यावर व दुकानांमध्ये झेंडे मोठ्या प्रमाणात विक्रीस उपलब्ध झाले आहेत. झेंडे घेण्यासाठी लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांनीच गर्दी केली होती. 15 ऑगस्ट भारतीय स्वतंत्रता दिवस, यह दिवस सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा जी के नेतृत्व में हमारे पूर्वजों ने पूरी आस्था के साथ देश के आज़ादी की लड़ाई अहिंसा के मार्ग से लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया. और आज़ादी के 72 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और 73वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं. और 73 वर्ष का ये हमारा भारतवर्ष आज़ाद देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से 1947 से लगा के आज तक शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अंदर पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यम से इस देश का विकास किया. औद्योगिक क्षेत्र रहे, कृषि का क्षेत्र रहे, उद्योग का क्षेत्र रहे, शिक्षा का क्षेत्र रहे, हर क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने 17 साल के कार्यकाल में इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है. और पंडित जी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से इस देश ने सभी क्षेत्र में तरक्की की है. 130 करोड़ आबादी वाला ये देश, इसकी स्वतंत्रता कायम रहे, मजबूत रहे, हमारी बॉर्डर पे जो हमारी सेना इस देश की रक्षा कर रही है उनके माध्यम से, और शहरों में और ग्रामीण भागों में हमारे देश की पुलिस, हमारे राज्यों की पुलिस इस प्रकार से हम लोगों की रक्षा कर रही है. मैं इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं देश के हमारे जवानों को, देश के पुलिस विभाग को, देश के प्रशासन को, जिले के प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ. और हम उम्मीद करते हैं, ये हमारा लोकतंत्र को मानने वाला देश है, लोकतंत्र के माध्यम से इस देश को हमें आगे बढ़ाना है.